यूएई ने पिछले 75 सालों के वर्स्ट फ्लड्स एक्सपीरियंस किए हैं। इट्स अ 1 in 100 year फ्लड ओवर देयर। आर्टिफिशियल रेन जो भी क्लाउड सीडिंग के जरिए से करवाई गई थी, वो क्या वाज इट रिजल्ट ऑफ दैट? क्या ये क्लाइमेट चेंज का कोई एस्पेक्ट है? क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लाइमेट चेंज का इसके अंदर कोई रोल हो सकता है। ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो राइज करते जाएंगे, जब ग्लोबल टेम्परेचर राइज करेंगे उसके अंदर जो है हेवियर रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्माइल कासिम एंड यू आर वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ। यूएई ने पिछले 75 सालों के वर्स्ट फ्लड्स एक्सपीरियंस किए हैं। बहुत से लोग ये सवाल करने पर मजबूर है कि जो आर्टिफिशियल रेन अभी रिसेंटली वहाँ पर करवाई गई थी, वॉज इट अ रिजल्ट ऑफ दैट? क्या ये क्लाइमेट चेंज का कोई एस्पेक्ट है या फाइनली कोई इस्लामिक एलिमेंट है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये फ्लडिंग जो है दुबई के अंदर देखने में नजर आ रही है। दुबई से 75 मील दूर अलैन शहर के अंदर 254.8 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई, और अगर सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो वहाँ पे 10 इंचेस से ज़्यादा जो है वो बारिश हुई है। इट्स अ 1 in 100 year फ्लड ओवर देयर। मतलब अंडरस्टैंड करें कि एक ऐसा इवेंट है जो कि 100 साल तारीख के अंदर जिसका होने का इम्पैक्ट या चांसेस जो है वो सिर्फ 1% है। नेशनल सेंटर ऑफ मटीरियोलॉजी ने इन बारिशों को पिछले 75 साल का एक एक्सेप्शनल तरीन इवेंट करार दिया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर आमतौर पर सालाना सिर्फ 3 inches बारिश रिकॉर्ड की जाती है, वहां पे भी इन आम दिनों के अंदर 5 inches से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द लास्ट 2 days। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सेसिव फ्लडिंग, बहुत से लोग ये सवाल करने पर मजबूर हो गए कि आर्टिफिशियल रेन जो भी क्लाउड सीडिंग के जरिए से करवाई गई थी, वह क्या वॉज इट रिजल्ट ऑफ दैट? यहाँ पे जानते हैं क्लाउड सीडिंग आखिर में होती क्या है। क्लाउड सीडिंग वो कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ज़्यादा वाटर वेपर रखने वाले जो बादल होते हैं ना, उसके अंदर सिल्वर आयोडाइड नामी एक केमिकल कंपाउंड है जिसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के जरिए से आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और जो कि आर्टिफिशियली फिर आप जिससे रेन इंड्यूस करवा सकते हैं, बारिश करवा सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस चलता आ रहा है दहाइयों से, ठीक है। इट हैज़ बीन प्लेस सिंस दहाइयों में, और दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे इसको करवाया जा चुका है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेनी अदर कंट्रीज। एक रिसर्च जो स्नोई प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है, उनके मुताबिक क्लाउड सीडिंग एक इतना स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रोसेस है कि अगर सिर्फ 2 घंटे भी क्लाउड सीडिंग की वजह से आर्टिफिशियली आप बारिश करवा लें तो ओलंपिक्स के कोई 282 के करीब जो पूरे स्विमिंग पूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे। इस जियो इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी से सक्सेसफुली पास्ट में भी बारिश करवाई गई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझना ये है कि साइंटिस्ट के मुताबिक जो हालिया सैलाब आए हैं उनका क्लाउड सीडिंग की जरिए जो आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी पास्ट में, उन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। फिर सवाल आता है तो फिर सैलाब क्यों आ गए? तो यहाँ पे अगला स्टेप हमारा आता है जो कि है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लाइमेट चेंज का इसके अंदर कोई रोल हो सकता है, क्योंकि ये बारिशें उन वेदर पैटर्न्स के मुताबिक थीं जो कि मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हफ्ता पहले ही प्रेडिक्ट किया था। क्लाइमेट रिसर्च से ये भी पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अरब पेनिनसुला जो है इसमें इस तरह की इंटेंस बारिशें जो हैं उसके मजीद वाकयात भी रोनुमा हो सकते हैं। मतलब पहले भी ये पहला वाकया है, इसके बाद भी फ्यूचर में आप प्रेडिक्ट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की भी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उन्होंने ये क्लेम किया कि जो रिसेंट फ्लड्स आए यूएई के अंदर ये क्लाउड सीडिंग की वजह से थे, लेकिन टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ को डिबंक किया और उन्होंने इसको डिसओन करते हुए कहा कि अगर ऐसा पता लगाना भी हो तो इस प्रोसेस को करने के लिए साल हर साल लग जाए, बिकॉज ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू जाइल्स हैरिसन, अ प्रोफेसर ऑफ एटमोस्फेरिक फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग इन ब्रिटेन, वो क्या कहते हैं, हालिया सैलाब का हुजम जो है वो क्लाउड सीडिंग के जरिए की जाने वाली आर्टिफिशियल रेन से कहीं ज्यादा है। सो दीज टू आर नॉट कनेक्टेड एट ऑल। अब यहां पे बात कर लेते हैं फिर क्लाइमेट चेंज की, कि आखिर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारा मामला किस तरह से इफेक्ट हो सकता है। क्लाइमेट चेंज को अगर किसी ने पढ़ा हो तो उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेना का पता होगा, उन्हें इरेटिक वेदर पैटर्न्स का फिनोमेना पता होगा, उनको पता होगा कि एक्सेसिव फ्लडिंग होगी, उन्हें पता होगा कि जो डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हैं, जो आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करी जा रहे हैं, जो कि आपने वर्टिकल पैटर्न्स को छोड़ दिया है, उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो राइज करते जाएंगे, जब ग्लोबल टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसके अंदर जो है हेवियर रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। इसका अंदाज़ा अगर मैं पाकिस्तान से लिंक करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 के अंदर जो भी फ्लड्स आए हैं जिसके अंदर हमें 20 अरब से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है और हमारी मईशत पूरी डूब के रह गई, हमारा 3/4 ऑफ द होल टेरिटरी जो है वो अंडर वाटर चली गई, हमारे बहुत ज़्यादा लाइव्स का नुकसान हुआ, हमारा लाइफ स्टॉक बह के रह गया सारा कुछ, तो वो सारा कुछ भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही था। इट वॉज डायरेक्टली लिंक्ड। दुनिया के बड़े ममालिक के ऊपर इस टाइम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है।
नंबर वन इस वजह से बिकॉज इस टाइम जो उन्होंने ग्रोथ हासिल की है इन बड़े ममालिक ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने, उनकी डेवलपमेंट जो थी वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हुई, जिसकी वजह से, जिसकी कंबस्चन की वजह से हम आज इस नहज पे पहुंचे हैं। तो उनको तो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना ही जाना है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को भी वो अगर प्रमोट करना चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, तो उनको क्लाइमेट फाइनेंसिंग करें, उनको फंड्स करें, उनके पैसे दें, उनको एजुकेट करें और समझाएं पूरी दुनिया के अंदर दैट क्लाइमेट चेंज इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एंड आज नहीं तो कल हमें इसको ड्यू इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।